बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, एक प्यारी सी सुबह का करते हैं आगाज। तो सबसे पहले जी हम डालेंगे डक्स को दाने। कबूतरों को भी डाल देते हैं इधर ही। ये देखें जी, सब नीचे आ गए। सिम्बा बड़े गौर से देख रहा है कबूतरों को। सिम्बा, इसे जी रोज़ाना मार पड़ती है, इसी वजह से ये बड़े आराम से बैठा हुआ, वरना ये डक्स को दाने खाने नहीं देता। इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करता था पिछले दिनों, फिर मैंने इसे थोड़ा थोड़ा मारना शुरू किया तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी समझदार हो गया। ये देखें जी, इनके मुर्गी खाने के लिए आते हैं। कबूतरों को दाने डाले थे, मुर्गी ने सारा काम खराब कर दिया, दाने भी नीचे गिर गए। तो सुबह का काम देखेंगे, दाने खाने शुरू कर देते हैं। सुबह चल चल दबाओ चल। इस मुर्गी ने ये सारा काम ख़राब कर दिया। अभी ये तो दाने नहीं खाने देंगे कबूतरों को, अलहदा ही डालने पड़ेंगे। चले तब तक मैं बाकी जो बर्ड्स हैं उन्हें डाल के आता हूँ। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, कबूतर मेरे पीछे आ गए। इन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि रोज़ाना सुबह ही मैंने सुबह इस टाइम दाने डालता हूँ, तो इनकी एक रूटीन बनी हुई है। ये देखिए उड़ के इधर आ गए। कोशिश करते हैं जी इनको कमरे में ही डाल दूं, क्योंकि वहां पे ही खा ले। बाकी के जो दाने हैं जी, वो दूसरा जो रास्ता वो मैंने डक्स के लिए बंद किया हुआ है, तो यहाँ से ही मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वजह से मैंने पटिशन कर दिया। ये देखें, रास्ता मैंने बंद कर दिया ताकि हमारी जो बड़ी डक्स हैं इधर ना आ सके। ये देखें, तो हमारी जो गाय है इसकी जी सारी दुम खा गए हैं। ये इसकी भी दुम ख़राब कर दी थी, और इसके जो बाल हैं ये भी सारे ही खा गई हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ज़ख्मी कर दिया था पिछले दिनों। ये देखें, सारे इनके बाल खा गए हैं, ये भी ख़राब हो गया था, ज़ख्म हो गया था ऐसे भी इसको भी। तो यहाँ पे फिर मैंने पाइपडीन वगैरह लगाई है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये देखें ये भी, ये दाने उल्टाने लगी है हमारी गाय। अभी बस चुकोरे रह गए, इनको भी डालते हैं। चुकोरी दूसरी तरफ चली गई है मुर्गियों के पास, वहाँ पे दाने डाले। आज मौसम का सिम्बे के काम देखें। अच्छा जी, कबूतरों को अंदर डालने दाने डालते हैं, बाहर ये नहीं करने देते। जो गाय है इसके लिए जी बंडा भगो के रखा हुआ है, कुछ देर तक इसे डालते हैं।
तो ये देखें फ्रेंड्स सारे कबूतर इधर आ गए हैं। कोशिश करता हूँ हाथ पे आ जाए, वापस उड़ गए। यहाँ पे डाल देते हैं नीचे ही ने। चलो जी ये खा लेंगे तो अच्छा जी, ये दब दाने खा लें तो फिर स्पाइक को भी खोलते हैं। तो नीचे दाने डाल दिए जी फ्रेंड्स, खा लेंगे ये। बाकी मुर्गे को बाहर निकालते हैं जो अच्छा अच्छा फ्रेंड्स, इसे भी दाने वगैरह डाल चुका हूँ डब को भी, क्योंकि आज हवा काफ़ी ठंडी है इस वजह से इसे भी रोका हुआ है, थोड़ी देर के बाद ही निकालेंगे इसे। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे दे इजाज़त जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हाफिज़।